हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छी होंगी। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ कोई ही ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ, मॉर्निंग इवनिंग वाला ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ। बस आप लोग मेरा थंबनेल और टाइटल देखकर तो समझ ही गई होंगी कि मैं आज आप सब लोगों के साथ कौन सा ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो तैयार होकर समझ ही गए होंगे आप, मैं अपनी यूट्यूब पेमेंट लेने जा रही हूँ। फर्स्ट पेमेंट बस मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ, वो भी आए नहीं है, वो आ जाएंगे तो फिर मैं उनके साथ अपनी पेमेंट लेने जाऊंगी, जिसके लिए मैं आज बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आप लोगों का दिल से शुक्रिया बहुत ज़्यादा कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया कि आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। इसे मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कि मैं कितना खुश हूँ। तो बस मैं आप लोगों से आगे लौटने के बाद में बात करूँगी, जो भी करूँगी। अभी तो बस मैं लेने जा रही हूँ। तो बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मैं आके बात करती हूँ आप लोगों से। हेलो फ्रेंड, तो देखिए मैं लेके आ गई हूँ अपनी पेमेंट और मैं आज बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो जो ये पेमेंट मुझे मिली है, ये सिर्फ सिर्फ आप लोगों की वजह से है। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, तो जिससे मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ कि मैं आज अपनी यूट्यूब की पेमेंट देख पाई हूँ। मतलब वैसे तो मुझे लगता ही था कि शायद मैं यूट्यूब की पेमेंट तो ले ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि इससे पहले मेरा एक और चैनल था जो कि मतलब डिलीट कर दिया था यूट्यूब ने, क्योंकि मतलब मैं कुछ ऐसी वीडियो बना दी थी, अपने बेटे के साथ बना दी थी, और छोटे बच्चों के साथ में वीडियो नहीं बनाना है। मतलब पर्सनली वैसे ब्लॉगिंग में उनको ले सकते हैं, लेकिन पर्सनली उनके साथ वीडियो नहीं बना सकते अपन, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है। तो लेकिन मैंने अपने बेटे के साथ वीडियोज़ वगैरह बनाई थी, इसलिए यूट्यूब ने मेरा वाला चैनल डिलीट कर दिया था। तो फिर लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी थी, मैंने दोबारा से अपना चैनल बनाया एक और दोबारा से मैं यूट्यूब पे आई दोबारा से। मतलब मैंने इतनी हिम्मत रखी, मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना मतलब इतनी हिम्मत दी, इतना सपोर्ट किया उन्होंने, इतना साथ दिया मेरा बहुत ज़्यादा। तो बस उन्हीं की वजह से मैंने दोबारा चैनल बनाया। वो कहने लगे कि नहीं, तुम दोबारा से चैनल बनाओ और अब यूट्यूब की गाइडलाइन के का ही ध्यान रखना, कि उसका मतलब कुछ ऐसा नहीं करना कि जिससे दोबारा से तुम्हारा चैनल डिलीट हो, लेकिन तुम दोबारा बनाओ। पर मैंने तो जब मेरा चैनल डिलीट हुआ था, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था उम्मीद कि मैं अब मैं कभी वीडियो नहीं बनाऊंगी और ना मैं कोई चैनल बनाऊंगी। लेकिन मैंने बस ये चैनल उन्हीं की वजह से बनाया, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, तुम चैनल बनाओ, तुम वीडियो बनाओ ओ, लेकिन अब ध्यान से। तो मैंने बस इस वजह से मैंने दोबारा चैनल बनाया, दोबारा आई। लेकिन उसमें इस चैनल में आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, तो मैं और मतलब मेरा मन भी लगने लगा, अच्छा भी लगने लगा। लेकिन लोगों ने काफ़ी बातें बनाई कि वीडियो वगैरह बनाती हैं, क्योंकि देखो मैं एक शहर की लड़की हूँ, मेरी शादी लेकिन गांव में हुई है। वैसे मैं शहर से बिलोंग करती थी, लेकिन मेरी शादी हुई है गांव में, और वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा काफ़ी बातें बनाते थे, क्योंकि ये देखते थे कि यहाँ पे आती है घूंघट मार के और वीडियो बनाती है, तो सब पता नहीं तरह तरह की बातें बनाते थे। एक सभी लोग देखते हैं बिना घूंघट में देखते हैं, और जहाँ ससुराल में आती हैं तो घूंघट मार के, तो फिर क्या फ़ायदा घूंघट मारने का, या मतलब वीडियो बना रही हैं, अच्छा अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। तो गांव के लोग तो मतलब बातें बनाती ही हैं, करती हैं, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड ने भी सबसे ज़्यादा मेरे
हस्बैंड ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि वो कोई कुछ भी कहता था ना तो वो बोल देते थे कि नहीं किसी की तरफ ध्यान मत दो। मैं उनसे कुछ कहती भी थी ना कि देखो वो लोग ऐसा कह रहा है, वे सब वो ऐसा कह रहा है, पर वो हमेशा मुझसे यही कहते थे कि अपने काम पे ध्यान दो, किसी की बात पे ध्यान मत दो। लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, अगर तुम सब पे इसी तरीके से ध्यान देती रहोगी तो कुछ कर ही नहीं पाओगी। ये तो बस मैं उनके कहने पर ही चलती थी कि हाँ ये बात भी वो सही कहते हैं कि मैं लोगों के ऊपर ध्यान दूंगी तो मैं वाकई में कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा हिम्मत दी, हर कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया है। एक वो कहते हैं ना हर कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है आदमी की, लेकिन मेरी कामयाबी के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, एक यूट्यूबर बनी हूँ तो बस उन्हीं की बदौलत बनी हूँ, उन्हीं की वजह से बनी हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है हर कदम पे। एक कई बार मैं डिमोटिवेट भी हुई हूँ कि मेरे को लगता था कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगी वीडियो, लेकिन वो हमेशा मुझे हिम्मत देते थे, मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे कि नहीं तुम बनाओ वीडियो। वो हमेशा मतलब कभी मैं एक दो दिन भी अगर वीडियो नहीं बनाती हूँ ना तो वो फौरन कहने लगते हैं कि तुमने वीडियो नहीं बनाई, वीडियो क्यों नहीं बना रही हो आजकल, क्या बात है। तो उन्होंने मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। कभी मैं किसी की बात सुन लेती थी ना तो मुझे थोड़ा सा अंदर से अच्छा नहीं लगता था, तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाती थी, थोड़ी सैड हो जाती थी, दो तीन दिन वीडियो नहीं बनाती थी। तो मतलब वो मुझसे हाल बोलते थे कि नहीं वीडियो बनाओ, तो क्यों नहीं बना रही वीडियो, किसी की बातें मत सुनो, हम कुछ नहीं कह रहे ना, बस हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा वो यही कहते थे मेरे से, और आज भी वो यही कहते हैं कि बस तुम्हें किसी की बातें नहीं सुनना है, अपने काम पर ध्यान देना है। और तो बस मैं आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ इससे इतनी ये पेमेंट आई है जो कि मेरे को देखने को मिली है। मैं बता नहीं सकती आप लोगों को मैं कितनी खुश हूँ, आप लोग मेरे चेहरे को देख के समझ गए होंगे कि मैं कितना खुश हूँ। तो बस आप लोगों का भी, आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार और साथ बनाए रखिएगा, इसी तरीके से मुझे आज तक आप लोग सपोर्ट करते हुए आए हैं, आगे भी इसी तरीके से करते रहिएगा। तो ये मेरी पेमेंट कब की है, ये मेरी है जनवरी की, तो जनवरी की आई थी मेरी, फरवरी में आ गई थी मुझको रिसीव। तो वैसे वहाँ से तो निकल आई थी 21 तारीख को, लेकिन मुझे रिसीव हुई है बैंक में आई है ये 28 तारीख को। वैसे मतलब 26 की सोचा था, बोला था कि 26 तारीख को आ जाएगी, 26 को नहीं आई थी, थोड़ी टेंशन सी हो गई थी दो तीन दिन की, 26 तारीख को तो आई नहीं है, कहाँ चली गई मेरी पेमेंट। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 28 तारीख को अपने आप मैसेज आ गया था और मेरी पेमेंट आ गई थी अकाउंट में। तो बस मैं निकाल के लेके आ गई और आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी। तो बस आप लोग इसी तरीके से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा, और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।